मैदान में उतर गए हैं। जैनाबाद में वीडी शर्मा का आज जनसंपर्क होना है। बंसल न्यूज ने वीडी शर्मा से बातचीत की और जाना क्या खास रहेगा आज। भव्य स्वागत हुआ वीडी शर्मा का आज। तस्वीरें बुरहानपुर की है। पूर्व मंत्री बीजेपी नेत्री अर्चना चिटनिस भी इस दौरान मौजूद रही। कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिला। फूलों से पुष्प वर्षा से वीडी शर्मा का स्वागत हुआ और वीडी शर्मा कार्यकर्ता की बाइक पर बैठे भी नजर आए। दो दिनी दौरे पर हैं खंडवा बुरहानपुर के। वीडी शर्मा पहुंचे हैं इस गांव में और यहां स्वागत सत्कार। विधानसभा में आता है, बुलेट पर सवार हुए हैं और एक नया क्या तो देखिएगा, बुलेट पर सवार हो गए आप। आज जनसंपर्क है अपने इस मंडल के अंदर। हम इस गांव के अंदर जनसंपर्क करके जनता का समर्थन मांगने के लिए आए हैं। जोरदार समर्थन मिल रहा है। समर्थन तो है ही, आप देख रहे हैं कि हमारे तुलसी सिलावट जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष बहन सुमित्रा कास्तेकर, हमारे यहाँ की विधायक, क्योंकि जनप्रिय लोकप्रिय हमारे सभी नेता तुलसी भाई। ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत। कमल ये यहाँ के प्रभारी आप, आपका कमाल है। ये सारे लोग प्रभारी बहादुर जल्दी सब प्रभारी है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल पर रवाना हो रहे हैं और देखिएगा तमाम लोग रवाना हुए मोटरसाइकिल पर सवार हुए हैं। ये यहाँ बात है, यहाँ तो अलग तरह का माहौल है। यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हो रहा है। जोश देखिए, खरोच देखिए, बहुत जनता के अंदर उत्साह का वातावरण दिख रहा है। देखिएगा कि ये विधायक भी नजर आ रही है उधर, यहाँ की नेपा नगर की विधायक है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। एकदम चुनावी रंग में नजर आ रहा है। ये खंडवा बुरहानपुर लोकसभा है जहाँ लगातार हम पहुंच भी रहे, समझ भी रहे, देख भी रहे, लेकिन ये नेपा नगर विधानसभा में पिछली दफा जब 28 सीटें थी तो जो नेपा नगर से विधायक बनी वो कांग्रेस में थी, लेकिन बाद में चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी से। अब लोकसभा के चुनाव है, ढोल गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए आप, महिलाएं फूल लेकर खड़ी हुई है और बच्चे नाच रहे गा रहे हैं। ये चुनावी जोश और जुनून है। आप ये फूल लेकर खड़ी किसके एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में और यही है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में तमाम तरह के रंग नजर आते हैं और ये रंग दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की ना चूक करना चाहती है, ना कोई गलती करना चाहती है। दमोह से सबक लिया है, नई रणनीति बनाई है और अब जन समर्थन जुटाने के लिए जनता से मिलने एक तरीका नजर आ रहा है। बुलेट पर सवार है वी डी शर्मा, तुलसी सिलावट और आलोक शर्मा, तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, लेकिन अब चुनावी रंग पूरी तरह सब आप पर है। भारत बुंदेला के साथ जैनाबाद गांव नेपा नगर।